गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे थे आप लोग? ठीक है, हमारा रिवीजन चल रहा था। आज अपन पार्ट चार का रिवीजन करेंगे। पार्ट तीन करवा चुकी हूँ मैं आपको अच्छे से। जो नए बच्चे हैं वो भी अपना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में आपको मैंने चैप्टर वन से स्टार्ट किया है सेट करना। ठीक है, अच्छा ये भी आपको पता है कि नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम है ना, तो एग्जाम सिलेबस में आपको बता ही चुकी हूँ। रीडर में भी चैप्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएगा और ग्रामर में भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएगा। ठीक है, आपको ये भी पता है कि सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाले बनते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको पार्ट याद होना चाहिए, पार्ट में से कोई भी एक एक लाइन में से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो कहानी याद होनी चाहिए आपको। आगे मेरे पास बोलिए, चैप्टर के लेखक के नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कोई पूछ सकती हूँ कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो हर चैप्टर के लेखक के नाम आप पक्का याद करोगे। ठीक है, अब हम चैप्टर फोर पढ़ते हैं, दीवानों की हस्ती। दीवाने कौन? देश के लिए जो दीवाने कौन होते हैं? फौजी। ठीक है, उन्हीं के लिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ पर वहां चले। फौजी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हम आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते जहां चले। मस्ती का मतलब हम जहां भी जाते हैं माहौल खुशहाल बना देते हैं, खुशी भर देते हैं, यानी कि हम दूर उड़ाते हुए। दूर का मतलब क्या होता है? परेशानी कठिनाई उसको उड़ाते हुए चलता है। अब देखो, इसे पहला क्वेश्चन बन गया कि कवि का दूर उड़ाते हुए दूर से क्या तात्पर्य है, तो आप नहीं सकते कठिनाई। ठीक है, हृदय पर एक ऐसा पता कि निशानी
निराश है, क्योंकि वो जो सोच रहा था सिर्फ भारत माता के देश के लिए जो सोचा था वह नहीं कर पाया, इसलिए वह उदास है या निराश है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? सुख दुख को समाज समझना, परेशानी को दूर समझकर उठा देना, देश को सच्चा प्यार देना, बिना किसी स्वार्थ के देश की रक्षा करना, ये सब। जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? अगर मस्ती केवल मनोरंजन करने के लिए, हंसी मजाक के लिए है तो वो मस्ती है, लेकिन अगर वही मस्ती किसी को नुकसान पहुंचा दे तो वह हानिकारक हो जाती है। जैसे अभी आप अपनी क्लास में बैठे हो, एकदम से आपका फ्रेंड पानी पीने गया, वो जैसे बैठने लगा आपने उसकी चेयर खींच ली, हटा दी, तो वो दम से गिर गया। अब वो हल्के से गिरा, उसको कोई चोट नहीं लगी, तो मस्ती आपको हंस सकते हैं, लेकिन अगर उसको ज्यादा चोट लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो कैसी लगती है? हानिकारक। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। तो अच्छा, शब्द